Welcome again to our SST lessons. In this lesson, we will discuss body mass index, that is BMI. This is part of our class 10th economics book, first chapter, development. At the end of this lesson, we will understand the meaning of BMI. After completing this lesson, is lesson ke पूरे होने के बाद हम ये समझ पाएंगे कि BMI का क्या अर्थ है, how to calculate BMI, उसे कैसे calculate किया जाता है और normal range of BMI क्या होती है. तो ये चीजें हम इस lesson में समझेंगे. So let's start the lesson. The first thing is, ये जो body mass index है, BMI है, इसको क्यों calculate करने की जरूरत है, what is the need? तो ये एक criteria है. ये क्राइटेरिया है जो हमें बताता है नरिशमेंट के लेवल के बारे में एडल्ट्स के. ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो वयस्क हैं वो उनका जो पोषण का स्तर है वो सही है या नहीं है. ये एक रेशियो है वेट एंड हाइट के बीच का और इससे हमें ये बातें क्लियर होती हैं जिससे हम फर्दर इसे अप्लाई कर सकते हैं दूसरे एनालिसिस में. ओके okay. इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बड़ा आसान सा इसका मेथड है, वेरी सिंपल मेथड एंड वेरी इजी. जस्ट सी द स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द हाइट ऑफ अ पर्सन इन मीटर. हमें एक व्यक्ति की हाइट, उसकी ऊंचाई नापनी पड़ेगी और वो हमारे पास होना चाहिए मीटर में. दूसरी चीज हमें चाहिए उसका वेट, उसका भार किलोग्राम में. और जब हमारे पास ये दोनों डेटा अवेलेबल हो तो हमें बस एक छोटी सी आसान सी कैलकुलेशन करनी है. डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट. डिवाइड द वेट, हमने उसका वेट लिया था किलोग्राम में और उसे किससे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर ऑफ द हाइट. हाइट हमने ली थी मीटर में, तो मीटर में जो भी उसकी हाइट होगी उसे उसका स्क्वायर करेंगे और किलोग्राम में जो उसका वेट है उसको डिवाइड कर देंगे इस फिगर से और जो भी हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा वो उस पर्टिकुलर पर्सन का बीएमआई होगा. बड़ा आसान सा मेथड है. देखिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि मोहन का वेट 55 केजी है. हमें पता है कि वेट हमने केजी में ही लेना है, तो मोहन का वेट हमने मेजर किया, वो 55 केजी निकला. उसकी हाइट हमने नापी तो वो है 155 सेंटीमीटर. अब देखिए हाइट मेजर करने के कई सारे तरीके हैं. कई बार हम उसे फीट में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए मीटर में. तो क्योंकि हमारे पास ये डेटा 155 सेंटीमीटर है तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं मीटर में, हमारे पास कितना रहेगा, 1.55 मीटर. अब ये हमारे पास हाइट आ गई मीटर में. तो ये दो डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं. BMI कैलकुलेट करते हैं. 55 डिवाइडेड बाय 1.55, स्क्वायर ऑफ 1.55, तो 1.55 का हम स्क्वायर निकालते हैं, 2.4 आता है. तो अभी हम करेंगे 55 डिवाइडेड बाय 2.4, रिजल्ट आता है 222.8 समथिंग. तो 22.8 एंड 22.9 के बीच की रेंज है ये. और ये जो हमारा फाइनली फिगर निकला है 22.9, दिस इज द बीएमआई ऑफ मोहन. ये मोहन का बीएमआई है. बड़ा आसान सा मेथड है. फिर से एक बार देखें, 55 केजी वेट है मोहन का, 155 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, 155 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया, 1.55 मीटर मीटर में आ गया. अब हमने इसे डिवाइड किया, हमारा फॉर्मूला है हाइट, हमारा फॉर्मूला जो है वह है वेट ऑफ अ पर्सन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हिज हाइट इन मीटर. तो उसका वेट 55 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हिज हाइट इन मीटर, दैट इज 2.4, इसका स्क्वायर कर दिया. 55 डिवाइडेड बाय 2.4, रिजल्ट 22.8, बीएमआई इज 22.8. तो ये सिंपल सा मेथड यूज करते हुए हम अपना बीएमआई खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करना चाहिए हमें. और आप सबसे मैं कोशिश करूंगा कि आप इसे करें. आप मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा कि आप एक बार अपना बीएमआई कैलकुलेट करें. बड़ा आसान सा है. अपना वेट आपको पता होगा, हाइट आपको पता होगी और इस बेस पे आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करिए. अब
इस बीएमआई का यूज हम क्या करेंगे, हमारे पास रिजल्ट निकल के आए 22.8 मोहन का बीएमआई, तो हम इसे देखते हैं कि क्या मोहन का बीएमआई नॉर्मल रेंज में है या कोई प्रॉब्लम है। तो नॉर्मल रेंज ऑफ बीएमआई होती है 18.5 to 25, 18.5 से 25 के बीच का अगर बीएमआई है तो वो नॉर्मल बीएमआई है। अगर 18 से नीचे आता है तो वो अंडरवेट है। अगर मोहन का बीएमआई 18 से नीचे आता तो वो अंडरवेट होता, और अगर उसका बीएमआई 25 से ज़्यादा आता तो फिर वो ओवरवेट होता। ठीक है, तो ये दोनों हेल्थ में प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती। अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो फिर वो ओके, ही इज़ ओके, वो उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो ठीक है। देन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो क्राइटेरिया है दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। मैंने अभी आपसे बोला था कि आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करें, और आपने अपना बीएमआई कैलकुलेट किया और आपका बीएमआई 18 से नीचे आ गया या 25 से ऊपर आ गया, और आप कहेंगे कि भाई ये तो नॉर्मल रेंज ऑफ बीएमआई है ही नहीं, तो हम तो बड़े डर गए। नहीं, डोंट वरी, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। आप अभी उस एज में हैं कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, कभी अचानक से आपका वेट बढ़ने लगता है, कभी आपकी हाइट बढ़ने लगती है, तो वो जो बैलेंस है वो बहुत अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको इसको लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये अप्लाई होता है एडल्ट्स पे। आपको जो आपने अपना बीएमआई कैलकुलेट किया है वो मोस्टली आपने इस पर्पज से किया है कि एक एक्सरसाइज की कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और एक आइडिया कि किस रेंज में हम लोगों का है। तो अगर इस रेंज में नहीं भी आ रहा है तो डोंट वरी, लेकिन अगर इस रेंज से बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर आप थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज तो आप रेगुलर करते रहिए, ठीक है। सो देयर इज़ अ वेरी सिंपल मेथड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर क्वेश्चन आपके क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है तो इस पर नॉर्मली 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो नॉर्मल रेंज ऑफ बीएमआई कभी पूछता है कि ये क्या रेंज है, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है, या फिर आपको वेट एंड हाइट दे देता है क्वेश्चन में और उसको कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक पे हम लोगों के बनते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।